द शॉर्टेस्ट पाथ, लिखो इसको, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजिशंस, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजिशंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. मैं जो लिखवा रहा हूं वो लिख लो. लिखो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजिशंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. जैसे मान लो इस आर से इस एफ तक की ये सीधी दूरी जो होगी यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा इसका. यहां से अगर मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूं तो यही एक क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा. तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसी की लेंथ जो होगी वो कहलाएगी क्या, डिस्प्लेसमेंट. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल. ठीक है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में समझना है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये वाई है, ये एक्स है. ठीक है, मैंने मान लिया सपोज पार्टिकल स्टार्टिंग में यहां पे था, इसको मैं बोल देता हूं आर इनिशियल, पोजिशन हो गई इसकी, और ये ऐसे चल के यहां मूव कर दिया और ये हो गया इसका क्या, आर एफ. ये हो गई इसकी इनिशियल पोजिशन और ये हो गई इसकी फाइनल पोजिशन. ठीक है, तो इन दोनों की जो लेंथ होगी उसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, उसी लेंथ को हम बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट. अब जैसे मान लो ये आर इनिशियल था, तो ये आर इनिशियल कहां से था, इस ओरिजिन से. ये जो आर इनिशियल था ये पोजिशन वेक्टर अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यहां पे पोजिशन वेक्टर क्या था, वो इधर एक्स से डिस्टेंस और इधर वाई से डिस्टेंस. तो ये हो गया था हमारा क्या, आर इनिशियल वेक्टर, इसी को तो बोला आर इनिशियल वेक्टर. और सपोज मैंने मान लिया एक वेक्टर में ये बना रहा हूं यहां पे इधर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, आर फाइनल. इस पॉइंट्स को देखना तुम, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया इनिशियल, ये वाला पॉइंट हो गया फाइनल. तो हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल. लिख लो इसको, जल्दी से बना लो. इसको बनाना है तो बना लेना, जरूरी नहीं है, ये बना लो और ये बना लो. इसको ओरिजिन लेना, ये ओरिजिन है, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे आर इनिशियल और आर फाइनल. लिखो अब आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इसमें पहला पॉइंट लिखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है. लिखो पहला पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब बात आई कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो भाई वेक्टर क्वांटिटी की दो चीजें होना जरूरी है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन. तो भाई मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल गया कि इस आर एफ माइनस आर इनिशियल कर दिया, तो ये जो लेंथ आने वाली है ये लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड. यही तो होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जो भी होगी वो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड. लेकिन बात आती है मैग्नीट्यूड तो आ गया, वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी होनी चाहिए. तो लिखो डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल की तरफ, ऐसे इनिशियल से फाइनल की तरफ जो एरो बनाएंगे हम उसी डायरेक्शन में क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है. तो सेकेंड पॉइंट में लिख लो ये बात, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, शॉर्टेस्ट, ये तो लिख ही चुके हैं चलो हम, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट में लिखो, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, एसआई यूनिट है इसकी मीटर, शॉर्ट में एम बोलते हैं जिसको, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर.
फिफ्थ लिखो, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, लेंथ मतलब एल। देखो बेटो, तुम्हारा एक चैप्टर होता है यूनिट एंड डायमेंशन, एक चैप्टर और आता है तुम्हारे यूनिट एंड डायमेंशन। एक्चुअली में क्या है, या तो उस चैप्टर को अलग से पढ़ाया जाए, है ना, तो वो चैप्टर कम से कम तीन चार क्लास तो लेता ही है पूरा कंप्लीट होने में, है ना। और एक्चुअली क्या है, वो चैप्टर यही होता है, उसमें केवल हम डायमेंशन पढ़ते हैं और यूनिट्स पढ़ते हैं, कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वर्क, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम यूज में लेंगे, है ना, उन सभी क्वांटिटी के बारे में क्या पूछा जाएगा, मैग्नीट्यूड और सॉरी उनका डायमेंशन और यूनिट। बट मैं तुम्हें चैप्टर में, हर चैप्टर में वो फॉर्मूला और उनकी यूनिट लिखवाता चला जाऊंगा, तो वो चैप्टर तुम्हारा ऐसे ही कवर हो जाएगा पूरा, है ना। जो यूनिट डायमेंशन, जो जो क्वेश्चन, मतलब जो जो पार्ट आता है उसका, वो मैं तुम्हें लिखवाता हुआ चला जाऊंगा, तो तुम्हें वैसे ही वो सब चीजें लर्न हो जाएंगी, और एक एक करके जैसे तुम्हें लर्न हो जाएंगी, तो बाद में वो चैप्टर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी अगर तुमको नीट पड़ती है कि नहीं हमें तो पढ़ना है वापस से, तो तुम मुझे बता देना, तो हम उस चैप्टर को पढ़ लेंगे। वैसे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, सभी चैप्टर्स में थोड़े थोड़े फिजिकल क्वांटिटी आती जाएगी, उनकी यूनिट डायमेंशन में वही लिखवाता रहूंगा। जैसे अभी डिस्प्लेसमेंट की लिखवा दी मैंने, इसी तरह से डिस्टेंस की, वेलोसिटी की। मेरे ख्याल से थोड़े थोड़े करके याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। आगे लिखो, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे, इन अ राउंड ट्रिप, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, इन अ राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट, इन अ राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट विल बी नल वेक्टर, इन अ राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट विल बी अ नल वेक्टर, ठीक है। यहां पे मैंने इसको जीरो नहीं बोला, यहां पर मैंने इसको जीरो नहीं बोला, ओके। इन अ राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, मैं ये लाइन भी यूज में ले सकता था, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक कौन सी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने तुमको बताया था वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट भी होता है, और वेक्टर में हम जीरो को नल वेक्टर बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ होती है, इसलिए हम उसको नल वेक्टर बोलते हैं। तो इन अ राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट विल बी अ नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। नेक्स्ट लिखो, अब